नहीं बाकी तीन पति कहा है मेरे बाहर कितने हैं मतलब तीन से ज्यादा है बिल्कुल माना मत बेटा माना मत बिल्कुल। हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग। हम लोग इस टाइम चकोटिया में, दो दिन पहले हम लोग दिल्ली से चले थे। दिल्ली से हम लोगों ने स्टे किया था पहला अपना जिम कॉर्बेट में, जिम कॉर्बेट से फिर हम लोग निकले चकोटिया की तरफ। और चकोटिया में भी एक गांव है भटकोट, ये एक्चुअली दीपा का गांव है क्योंकि दीपा की दादी की बरसी थी है, तो इसलिए हम लोग क्या पूरा दीपा के फैमिली वाले यहाँ पे आ रहे। बाहर जाके दिखा दो बाकी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हो रही है खाने वाने की तैयारी क्योंकि आज क्या कह रहे हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ गांव वालों का यहीं पे होने वाला है, तो यहाँ पे ये लोग सब्जी वगैरह काट रहे बनाएंगे। नमस्ते ताई जी। ताई जी बैठी हुई है। तो यहाँ पे ये सही होता है कि जितने भी मर्द लोग होते हैं उनका जिम्मेदारी होती है खाना वाना बनाने की, बाकी जो लेडीज लोग हैं वो साफ सफाई बाकी जो तैयारी होती है वो करते हैं। तो यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। सुबह की धूप है तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये देख रहे हो ये आम का पेड़ है, आम के पेड़ बहुत है यहाँ पे भटकोट एरिया है, गांव का नाम है चौंदे। और ये सामने से देखो ऐसा लगता है गांव, ऐसा लगता है घर। ये वाला जो घर है ये है दीपा लोगों का, अभी थोड़ी देर में पूजा भी स्टार्ट हो जाएगी। हमने कहा अपना काम धंधा भी कर ले। बाबू लेग पीस नहीं है देखो मेरे दांत सही गड़ रहे बाबू, दांत आ रहे बाबू, खुजली लग रही दांतों में। लाओ भाई दिखाओ दांत, दिखाओ दांत आगे नहीं रहे, दिखाओ सब कह रहे दांत लग गया। अरे जीप नहीं, फोन नहीं हाथ लगाना, वो जहाँ देखो जीप निकाल दे रहा बाहर पहले। ये जीप बंद कर। ये कौन है मेरी सेम हाइट का मेरे जैसा किनु, ये देख कौन है, ये इंटरेस्टिंग ले रहे भाई आपस में। तो ये दीपा के नाना है और दीपा की नानी। तो दोस्तों यहाँ पे बस बारसी की जो पूजा है वो शुरू ही होने वाली है। आप देख सकते हो यहाँ पे पहचान रहे दीपा के पापा हैं, फूफा जी मामा जी भी कहते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हो यहाँ पे ये है दीपा की अम्मा जिनकी बारसी है, और ये है दीपा की बहू जी जो काफी पहले गुजर गए थे। मामा ये बात तो सही कह रहे हैं आपने, लगाया तो टीढ़ा ही है, ऐसे जा रहा है सबके टीके जो है ऐसे जा रहे हैं, बीच बीच में से जा रहे हैं, ऐसे चला गया पूरा हिला पड़ा सजी दिखाई, थोड़ा सा टेढ़ा इसका भी देखो, टेढ़ा सीधा नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप टेढ़ा लगाओ तब सीधा लगेगा। जय श्री राम। चंदन ने पहली बोल दिया, चंदन ने पहली बोल दिया। आप देखते हैं इसका टीका सीधा लगता नहीं, टेढ़ा टेढ़ा आप सही कर दिया, इन्होंने मिला दिया हो तो कोई और है जिसको टेढ़ा टीका लगा। वैसे आपको पता चल जाएगा आपने कितने लोगों को लगाया है, आप टेढ़े टेढ़े टीके काउंट कर लो। ये तो ये तो हाँ निदारा क्या कर रहे हैं, खुश है, खुश है बाबू, खुश है, ये सही है, ये खुश है, बात कर रहा है, बात करो, बात करो उससे, बात करो, हाथ पकड़, हाथ भैया बोल, भैया बोलो, भैया भैया बोलो भैया। हाँ जी कौन है ये, बेबी है, बेबी है, बेबी है, ये पहचान लिया इतना तो, बैलेंस बन नहीं रहा अभी है, मीना रह ले जा रही है, वो डायपर की वजह से बैलेंस ही बन रहा। हमारे पहाड़ों का एक और फल दिखाता हूँ आपको, ये है काफल। ये थोड़ा ठंडे वाले एरिया में होता है, नहीं ठंडे वाले एरिया में होता है लेकिन होता गर्मी में, इससे पेट साफ होता है गुटली खाने से। इसके दाने सुखा लो, कोई बोलेगा पेट खराब हो रहा है, ले करे ले ले खा, करे कहाँ से है, करे हमने काफल चूस चूस के कुछ गुटलियां रखी थी, करे भगवान मुझे मौत दे देता इससे पहले। निकलेगा निकलेगा सीधा बंद रहेगा। वैसे तो पूजा ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस ये जो लास्ट वाला थोड़ा पार्ट होता है उसमें जो गाय की पूजा की जाती है, तो उसी के लिए अभी ये सब कुछ तैयारी की गई थी, और गाय भी आ गई है, अब होगी गाय की पूजा।
तो काय को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आ रही थी यहाँ पे, हालांकि तीन लोगों ने पकड़ रखा है लेकिन काट लिया, आशीर्वाद दे दिया गाय ने तो इसलिए उसको खाना खिला रहे ताकि गाय थोड़ा शांत रहे। तो अब ये गाय की पूजा की जा रही है, तो आप पीछे देख रहे हो सारे परिवार वाले ही हैं। ये बहुत ही मुश्किल हो रहा है इसे कंट्रोल करना, देख रहे हो तीन लोगों ने पकड़ रखा है इसको। पूरी खिलाने के बाद हरी घास खोना खाई हो बॉय, ये पता बहुत यंग है ना गाय, देखो गाय की पूछ पकड़ रखी है, गाय की पूछ में वो धीरे धीरे पानी डाला जा रहा है। ये रिवाज मुझे भी पूरा पता नहीं है तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जो देख रहा है वो बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी हाँ जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकता है कि ऐसा क्यों करते हैं। तो यहाँ पे बड़े बुजुर्ग उनसे थोड़ा सा यंग लोगों को सजेशन देते हुए, चलो जी आउट एक एक हो गया बॉडी टच, तीन बॉडी टच में आउट है। पहाड़ों में बहुत ट्रैकिंग कर लिया, पहाड़ों में क्रिकेट भी खेलते आउट है डायरेक्ट 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 गई है लोग अभी यहाँ पे चौकट में खेल रहे हैं क्रिकेट, और रूल्स कुछ ऐसा है, एज लग के पीछे गई तो आउट, एज लग के इस दीवार पे गई और यहाँ पे खेत पे गई दीवार पे लगी आउट है, 1v1 एंड आउट है। चंदन गया अरे ओए यार, अबे डायरेक्ट जा रही थी यार, आउट, बीच से गई है बीच से। और चंदन बॉलिंग, चंदन बैटिंग, अपनी फोटो देख ली, हमारी दिखानी है, मैं अपनी देख रहा हूँ। अरे वाह, हाँ खतरनाक थे तुम्हारे बॉल, वो तो मैं विकेट तोड़ दी हूँ, अब तो बुढ़ापा आ गया, इतनी फास्ट बॉलिंग इस टीम का अभी नहीं कर सकता, नेट बॉलर भी मैं हूँ, बॉडी गर्म कर देता हूँ, कहीं हाथ ही निकल गया चलाया हुआ। लो तुम्हारी बन रही है, चाचा जी मोबाइल भी जा रहे हैं साथ में बॉल के, कहाँ है साहब जी, यहाँ कोने में ही है, अरे वाह क्या बोल मार दिया, हाँ हाँ भाई आउट किया चलो मेरी अच्छा जी बोल डालेंगे, बदला ले लो ड्राइवर, अरे गार्ड लेना कुछ और नहीं अरे देखता हूँ ना हेलमेट दे दो भाइयों में, वीडियो
प्यार नकली और ये बॉल चली गई है नीचे। आईपीएल में तीन बच्चे खेल रहे हैं। बड़ा परिवार अब ये क्या कहना चाहते हैं? ये बड़ा परिवार से पढ़ लो लिख लो अपना कोई नवाब। अभी ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है आप मुझे बता पा रहे? भाभी ये बताओ कि ये आदमी क्या कहना चाहता है? तीन बच्चे खेल रहे हैं। तीसरा पति नहीं बाकी तीन पति कहाँ है मेरे? मुझे बताया मेरे बाकी तीन भतीजे कहाँ हैं? मैं मिलना चाहता हूँ। बताने वाले थे ना कितने हैं बाहर, कितने हैं? मतलब तीन से भी ज्यादा हैं। अब उनके तीन बच्चे होंगे। अरे बच्चे खेलने मतलब आईपीएल उनका गुरु हूँ। चाय निकल जाती है ठीक है। ऐसे क्या होता है? एक लाइव मोमेंट हुई सर, ये थे सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है आपकी। यह है बॉलिंग फास्ट करने का तरीका। ये तो रिकॉर्ड हो गया। क्या मार तो विकेट पे आएगी। अरे मैं बता ना, एक होता है कोच, एक होता है चोच। ये देख आपने विकेट इसको मारो ठीक है ओके। आपका विकेट यहाँ जाएगी। इसको नहीं नहीं वही कर अपने पेड़ बता दू। तूने कहा था बेटा मैं भी तो आपका भतीजा हूँ, मैंने क्या पाप। चलो यहाँ नहीं खेलो, यहाँ खेलूंगा इसकी बॉल यहाँ आएगी। अब यहाँ आएगी तो क्लीन बॉल रहेगा तो अपने ही ओके। अरे क्या बात है, हम लोग साथ साथ पीछे चले गए, साथ साथ में आ गया है। और आउट ये आउट है। वैसे मैंने उंगली भी लगी थी। और धनसिंह जैसा कुछ कहते हुए बैठ तो खेले। अरे आउट है भाई, आउट है, साफ आउट है। इसके लिए रिकॉर्डिंग की जरूरत भी नहीं। हाँ आउट है। वुमेन्स क्रिकेट बॉल कौन कराएगा? संजू वो दीपा भी बोल रही थी क्रिकेट खेलने के लिए। चलो अरे आउट आउट है, ये तो आउट है। रोड को लग रहा मैं तो भाई चक्का मार दिया। अच्छा चलो ठीक है। रमेश चाचा की तरह हो रही है सारे रूल। ये गलत बॉलर की गलती है भाई, बॉलर की गलती है। छोटे छोटे बॉल कराओ। आउट है। ताइया की ताइया हाथ में तो बॉल, हाथ में दो पाकिस्तान। बिल्कुल माना मत बेटा, माना मत बिल्कुल। इनको बॉलिंग करने दे, छोड़ना मत विकेट को। हाँ हो कोई बात नहीं, खुटाला आउट होगा। बैट्समैन पैड बांधते हुए सिर पे कुर्सी मारो निशाना घंटा। ये ताई जी आ गई हो कैच। अरे वो आपकी बैटिंग आ जाती है अभी। तुम्हारा हुआ नहीं, हो गया ना ये कैच। अरे यार देखा ये एक्शन होता है, बात कर रहा हूँ। इसको बंद करो, कैच जान कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है भाई साहब, ये तो उछल उछल जॉन्टी रूट। अरे भाई साहब क्या बात है, इधर ही मार दो। मतलब बैन का बजाओ, किस बैन करो तब भी आओगे। जडेजा आ गए, जडेजा जर्सी भी येलो है। बैटिंग धोनी, धोनी की तरह है। धोनी वैसे पकड़ता ना गो। तारीफ करेंगे एकदम गवाह टाइप का। अरे यहाँ भी बोल रहे
ये तो वो चल रहा है घर में कह रहा कि ऐसे खेल रही है कवार कवार दिख रहा है इसमें मेरे में नजर नहीं आई लगी मेरी जा भाई मैं कह रहा हूँ जल्दी बैठेंगे एकदम ये आउट। अरे भाई क्या वाश आउट है। दीपा तू आउट क्यों नहीं कर रही है? हल्के में ले रहे हो क्या मेरी मम्मी? नहीं इनने बैट बहुत चलाया है। बैट बहुत चलाया है। रोहित अपनी कमर दिखा गया ये देखो। बैट्समैन इतना थक गया कि कमर में दर्द हो गया टेढ़े होने लग गए। थोड़ा और पहले दो टप्पा थोड़ा और पहले दो ये गए। अरे क्या बात है। अरे जड़े जा रहे ये बॉलर भी किसी काम का नहीं है। जडेजा जी वापस आ गए। मैं गया विकेट पे जाके सी कैसे था ना और लगी नहीं है आउट है। ये दंगे करवाएंगे मामा। पूरा दिन क्रिकेट खेलने के बाद हम लोग निकल पड़े शाम को नदी की तरफ। चकोटियां भी एक नया पुल बना है। ये नया पुल गाड़ी वालों के लिए नहीं है, पैदल चलने वालों, बाइक साइकिल के लिए, टू व्हीलर के लिए कह लो, उन्हीं के लिए बनाया गया पुल। ये नदी है, क्या नाम है इस नदी का? रामगंगा था। रामगंगा नदी को क्रॉस करने के लिए ये देखो ये पुल बनाया गया। यहाँ पे इस तरफ है चकोटियां और इस तरफ वो चौंधे गाँव जहाँ पे दीपा का गाँव है। नदी का पानी वैसे इतना गंदा रहता नहीं क्योंकि बारिश बहुत हुई है। आज सुबह भी बारिश हो रही थी यहाँ पे, कल भी बारिश हुई थी शाम को जब हम लोग पहुंचे थे। ये लोग तो काफी पहले आ चुके थे, बता रहे थे काफी दिनों से ही बारिश चल रही है यहाँ पे। और वहाँ का मौसम देखो, वहाँ का मौसम देख के पता चल रहा है कि उस वाले पहाड़ों में बारिश हो रही है अभी भी। इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से। यहाँ पे होने वाला है सनसेट कहीं। और जहाँ ये वाले जो माउंटेन्स देख रहे हो ना, ये है 84 के गाँव। इस गाँव का मुझे नाम नहीं पता नहीं है, लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है वीडियो में देखो। और बादलों के बीच में से हल्की हल्की सूरज की किरणें आ रही हैं। यहाँ पे बहुत बारिश हुई है पहाड़ों में, जिसकी वजह से भी ये देखो नदी का जो पानी है वो बिल्कुल भूरा हो चुका है। अदरवाइज ये नदी का जो पानी है ना हल्का सा नीला या फिर हल्का सा हरा होता है। ये जो नज़ारा है पहाड़ों का बहुत ही खूबसूरत। इस तरफ कितने बादल हैं कि आसमान दिख ही नहीं रहा, और इस तरफ देखो बहुत ही कम बादल है और पूरा जो है नीला आसमान है। ऐसा आसमान हमें दिल्ली में देखने को भी मिलता ही नहीं है। पहाड़ों में हो गया शाम का टाइम और शाम को यहाँ पे अरे अभी खा भी खा सकते, अभी शाम का टाइम हो गया ये बोल रहा हूँ मैं, ये सुनते नहीं है व्लॉग पूरा। ये मेरे लिए पेट साफ हो जाएगा। देख कल से हम यही सुन रहे हैं लेकिन खा कोई नहीं रहा, रिस्क कोई नहीं ले रहा। पेट साफ हो जाएगा मतलब डल है, किस वजह से साफ हो जाएगा? मैं सुबह ऐसे बोला कि अपने आप ही कुछ पानी वानी पीने जरूरत नहीं, सीधे उठते भागेगा। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये पहाड़ी स्टाइल वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिट द बेल आइकन ऑल्सो। मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज़।